हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मेरे पास एक्सेस 125 वाली वेरिएंट आई सर्विस के लिए। इसका स्पीड डाटा दिखा दे आपको, किलोमीटर कितनी चली है। तो अभी 10:37 हो रहा है, ऑयल चेंज का इंडिकेटर दिखा रहा है। अभी आपको दिखा दे कितना किलोमीटर चली है गाड़ी। ये बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। देख सकते हैं 6,667 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी, मतलब 6,667 किलोमीटर टोटल चली। तो अभी इसका हम डिग्गी खोल रहे हैं एयर फिल्टर क्लीन करने के लिए और बाकी सब छोटा मोटा मेंटेनेंस करने के लिए। सो डिग्गी निकल चुका है, छोटू हमारा लेकर जा रहा है अभी इसका काम। अब इसका खोलते हैं टायर, फिर आपको दिखाते हैं टायर में क्या प्रॉब्लम है। इसका ब्रेक शू मुझे जहाँ तक पता है एकदम पूरा ख़राब हो चुका है, इसके लिए हम टायर इसका खोल रहे हैं। अभी ब्रेक शू दिखाते हैं आपको। खुल चुका है टायर हमारा। अभी ब्रेक शू का हालत तो एकदम ख़राब हो चुका है। ब्रेक शू हर हाल में चेंज होगा कुछ भी करके। भाई लोकल सामान मत डाले एक्सेस में, कोई भी गाड़ी में लोकल मत डाले, ओरिजिनल ही डाले। ब्रेक शू खास करके ओरिजिनल डाले, क्योंकि ये सामान ऐसा है कि इससे ही पूरा गाड़ी कंट्रोल होती है हमारी, तो इसको ओरिजिनल ही डाले। अभी ब्रेक शू नया लेकर आते हैं और लगाते हैं इसमें। बने रहो वीडियो के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्कीम में भी ऑयलिंग करेंगे, एकदम फ्री करेंगे इसको और पूरा काम करते हैं। फिर आप अगर आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही तो स्पार्क प्लग खोल के मैकेनिक से आप पूछ सकते हैं कि माइलेज कैसा है। अगर तो इस कंडीशन में प्लग निकलता है तो आपका माइलेज एकदम बढ़िया रहेगा। बारी एयर फिल्टर भी चेक करवाना बहुत ज़रूरी है एवरेज के लिए, खास करके कोई भी बाइक रहे, प्लग और एवरेज बहुत मैटर करता है। प्लग और एयर फिल्टर बहुत मैटर करता है एवरेज के लिए। अगर एयर फिल्टर ख़राब है तो एयर फिल्टर चेंज करवा दो। एयर फिल्टर चेंज कराने के बाद भी एवरेज नहीं आ रहा है अगर तो आप एक बार ट्यूनिंग करवा लीजिए अपने कार्बोरेटर का। इसमें तो थ्रोटल बॉडी इसका नहीं होगा, कार्बोरेटर वाली का हो जाता है अगर तो इसका भी। अब लगाते हैं इसका लाइनर, पीछे का ब्रेक शू जिसको बोलते हैं। ब्रेक शू लग चुका है, गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्रंट टायर का वारी है, फ्रंट व्हील खोलते हैं इसका, ग्रीसिंग करते हैं, ब्रेक शू रेक मार से घसते हैं, उसके बाद आगे का काम चालू करते हैं। सो हमारा आगे का टायर लग चुका है, पूरा अच्छे से ग्रीसिंग हो गया। अभी इंजन ऑयल चेंज करने की बारी है। अभी इंजन ऑयल खोल रहा है छोटू हमारा। इंजन ऑयल खोलो ले भाई छोटे, इंजन ऑयल खोल दिया, क्या बात है, वाह। अभी छोटू इंजन ऑयल निकालेगा। अभी आप थोड़ा सा स्लो मोशन में देखो ऑयल कैसे निकलता है इसका। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping out of here. So, हमारा इंजन ऑयल डाल चुका है, गियर ऑयल भी डाल चुका है। अभी बारी है इसका ऑयल चेंज जो लोगो है इसको फॉरवर्ड करने का। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, आप देख सकते हो ऑयल चेंज का व्हीलिंग कर रहा है। सबसे पहले इग्निशन बंद करना है आपको, जैसे मैं कर दिया। इग्निशन ऑन नहीं करना है, पहले बटन दबा के रखना है आपको, ये वाला काला वाला जो बटन है इसको पुश करके रखना है। उसके बाद इग्निशन स्विच को ऑन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो इग्निशन स्विच को ऑन कर दिया मैंने, कर दिया, उसको दबा के रखना है। उसके बाद जैसे ब्लिंक करना भरे करें, ब्लिंक कर रहा है देखो, उसके बाद अपने आप से ही हट जाएगा। तो इतना ही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।